श्री राम जय राम जय जय राम सचिदानंद भगवान की सनातन धर्म की साधकों को सत्य के प्रति जिज्ञासा और लगन की कमी रहती है और जिनके अंदर सत्य की जिज्ञासा भी रहती है उनको भी सत्य अनुभव करने में कठिनाई आती जो है जो कठिनाइयां हैं वो दो तीन मैं आज याद दिला दू एक तो मैं असीम हूं माने केवल यहाँ ही हूं ऐसा लग के सब जगह हूं ये कैसे समझे सबसे कठिनाई आपको लगता है ये मैं हूं इतना हूं यहां हूं अब आपको यहां अपने होने में कोई संदेह नहीं पर सब जगह आपको अपने होने में संदेह है और इस संदेह को यदि कोई, कोई सचमुच मिटा ले खेल नहीं है सुनकर बोल देना अलग है सब जगह तुम हो इसमें कोई संदेह ना हो संशय रहित ये ज्ञान कि मैं सर्वत्र हूं विश्वास अलग है यह निर्णय हो जाए सर्वत्र हूं एक इसीलिए बोलते हैं संशय विपर्य रहित आत्मा की ब्रह्मता का दृढ़ निश्चय दूसरा मैं सदा हूं इस शरीर के इस मन के होने के पहले इस शरीर और मन के न रहने के बाद भी समय की दृष्टि से तीन दृष्टियां हैं समय की दृष्टि से मैं केवल अभी हूं नहीं या कुछ वर्षों से हूं नहीं कुछ युगों से नहीं अनादि हूं और अनंत हूं यह निर्णय करना इसके लिए गुरु इसके लिए साधना और किसी बात के लिए गुरु नहीं या और कुछ के लिए गुरु की जरूरत नहीं उसका खंडन नहीं पर सचमुच गुरु की जरूरत है कि मेरा प्रारंभ नहीं हुआ मेरा अंत नहीं होता अनादि और अनंत हूं ये निर्णय दूसरा निर्णय मैं केवल यहां ही नहीं हूं पंडाल में ही नहीं हूं झांसी में ही नहीं हूं भारत में ही नहीं हूं या मैं विश्व में ही नहीं हूं विश्व से बाहर भी हूं विश्व में तो हूं ही जहां विश्व नहीं है जहां विश्व का संसार का भी अभाव है वहां भी मैं हूं दूसरा तीसरा एक रूप ही मेरा नहीं है एक आकार विशेष का जो ये मैं लगता है केवल यही मैं नहीं हूं सर्व रूप हूं मैं विश्व रूप रघुवंश मणि परमात्मा सर्व रूप है अब ये सर्व रूप जल्दी समझ नहीं आता राम रूप भगवान का है यह आपको समझ आ जाता है कृष्ण रूप भगवान का है ये समझ में आ जाता है मेरे गुरु का ये रूप है इस हाथ पैर इस फोटो ये मेरे गुरु का फोटो है ये मेरे भगवान का फोटो है, ये समझ में आ जाता है पर मेरे भगवान सर्व रूप है मेरे प्रभु हर रूप में है हर रूप में है और बिना रूप के भी है जैसे मिट्टी सब बर्तनों का रूप है ये पहले तो यह समझना कि यही रूप मिट्टी का है चलो एक रूप तुमने मिट्टी का मान लिया यह बधाई है पर यह समझदार का नहीं कि यही रूप मिट्टी का है यदि आप समझदार होते तो कौन सा रूप मिट्टी का नहीं है कौन सा आकार घड़े का मटके का ईटे का शकोरे का कौन सा आकार मिट्टी का नहीं है मेरे गुरुदेव कभी कभी पढ़े तो थे नहीं अर्थ अपने ढंग से करते थे वो कहते थे निराकार का यही अर्थ नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है निराकार का अर्थ भी होता है कहते थे निरे आकार उसी के हैं निरे माने सब सारे आकार उसी के हैं इसलिए वो निरे आकार वाला है सारे आकार वाला वही है और उपनिषद के मंत्र भी बोलते हैं कि वह सर्व रूप है कोई भी रूप ऐसा नहीं जो उसका ना हो यही रूप उसका है यह प्रारंभ है शुरुआत है शुरू यहीं से यात्रा होगी कि यह रूप भगवान के हैं ये इनका मैं ध्यान करूं लेकिन अंतिम ध्यान ये है कि उसी के सब रूप हैं तो कैसे मान लू कोई सर्वरूप होता भी है कोई रूप वाले को पूछो वो सर्व रूप हो तो मैं उसका चेला बनू तुम बता दो तुम स, तुम यदि यह रूप हो कोई रूप वाले को कहो कि ये ये वो रूप एक घड़े को कहो ये सकोरा भी है घड़े का रूप शकोरे का रूप नहीं हो सकता घड़ा सर्व रूप नहीं हो सकता शकोरा मकान का रूप नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक इंडिविजुअल रूप है यही रूप है उसका सबके अपने अपने एक रूप हैं और ब्रह्मा ही एक ऐसा है जो जिसके सब रूप हैं क्यों है वो है ही ऐसा यदि वो व्यक्ति होता तो एक रूप होता व्यक्ति एक ही रूप हो ही सकता है दो रूप नहीं हो सकता सर्व रूप तो जाने दो पति पत्नी का रूप नहीं हो पाता पुरुष स्त्री का रूप नहीं हो पाता गधा आदमी नहीं हो सकता आदमी गधा नहीं हो सकता उसका रूप अलग है सर्व रूप वही हो सकता है जो अरूप भी हो सब रूप उसी के हो सकते हैं जो जो व्यापक हो सर्वरूप ऐसे नहीं कल्पना करना सर्वरूप है एक एक है जो है सर्व सर्वरूप जैसे मिट्टी कौन सा रूप नहीं है कम से कम जो उदाहरण देते हैं उनमें से घड़ा का रूप मिट्टी घड़ा रूप नहीं है ना सकोरा रूप वो नहीं है ना अब घड़ा सकोरा नहीं है आप भी अपना तर्क कर लो घड़ा सकोरा नहीं है सकोरा घड़ा नहीं है यदि तुम कहोगे तो पकड़े जाओगे मैं पूछूं मिट्टी कौन सा रूप नहीं है सकोरा नहीं घड़ा नहीं ईटा नहीं दीवाल नहीं, नहीं? ब्रह्म माने क्या ब्रह्म माने जो सर्व रूप है ब्रह्म वेदम सर्वम अब इसलिए मैं अपने तर्क लगाकर आपके दिमाग में डालना चाहता हूं वेद क्या है तुम गर्भ करने लायक क्यों हो क्योंकि या तो ये कहो वेद हमारे हैं गर्भ से वेद हमारे हैं और ये वेद का मंत्र है यदि इस मंत्र को कोई और कहीं ढूंढ दे तो हम मान ले ब्रह्म ही वेदम शर्बम ब्रह्म एव इदम शर्बम यह सब ब्रह्म ही है या यह ब्रह्म ही ये सब कुछ है और कोई सब कुछ नहीं है इस चिंतन को इस गहराई को समझें ध्यान की विधि ध्यान कैसे करोगे ध्यान करने के लिए भी तो कुछ अकल चाहिए ऐसे तो ध्यान तुम करते ही हो ऐसा तो ध्यान तुम्हें होता ही है दुकान का ध्यान नहीं आता स्त्री का ध्यान नहीं आता बेटे का ध्यान नहीं आता मंदिर का ध्यान नहीं आता गुरुद्वारे का ध्यान नहीं आता नदी सागर पहाड़ का ध्यान नहीं आता आकाश जमीन का ध्यान नहीं आता कभी ना कभी तो आता है तुम्हें ब्रह्म का ध्यान कब आया है बताई दो मैं तो कभी कभी कहता हूं एक आदमी ढूंढो जिसको ब्रह्म का ध्यान आता हो ब्रह्म ध्यान की तो अकल होवे कैसे करोगे ब्रह्म ध्यान लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं पता है ही नहीं ध्यान कर लेते हैं और फिर मैं गर्व से कह रहा हूं अभिमान नहीं अभिमान नहीं है तो सत्य है ही ऐसा सत्य ही सब कुछ है जो कुछ हुआ है वो सत्य ही है सत्य से बिना कुछ हो ही कैसे सकता है एक कुछ भी बना के दिखाओ सत्य का सहारा ना लो तुम बड़े वैज्ञानिक हो बड़े दिमागदार हो कोई चीज बनाओ सत्य का सहारा न लो बिना लोहे के एक औजार बनाओ बिना मिट्टी का कोई बर्तन बनाओ बिना पानी की लहर बनाओ कोई भी बना के दिखाओ तो जिसमें सत्य का सहारा ना लेना पड़े तो सत्य ही सब कुछ हुआ है पर फिर भी सब सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी सत्य नहीं है न ये है न जो भी तुम देख रहे हो यह ऐसा नहीं रहेगा जो भी तुमने देखा है यदि वैसा रख के दिखा दो तो मैं पहला व्यक्ति हूं कि श्रद्धा से तुम्हें गुरु मानूंगा चलो बनाऊंगा नहीं मानूंगा कोई भी जिसको जो तुम्हारे अनुभव में आया हो वैसे ही रह जाए यहां तक मन आपका वैसे ही बना रहता है ना कि बदलता है कुछ भी बता दो जो वैसे ही रहता हो और जो वैसे ही नहीं रहता चेंज होता रहता है उसका नाम संसार है संसारती थी संसार और जो रहते ही नहीं एक समान उसको तुम रख लोगे क्या कोशिश नहीं की वो ऐसे ही रखने की चलो मैं उनको पूछता हूं ऐसा आदमी ढूंढो जो एक जैसा न रहने वाले को रखने की कोशिश नहीं की तुमने शरीर को ठीक रखने की कोशिश नहीं की तुमने मन को ठीक रखने की कोशिश नहीं की मन को सदा सुखी रखने की कोशिश बोलो रख पाए हो मैं फिर कहता हूं बहुत के प्रवचन सुनने के लिए समझ की जरूरत नहीं है समझ को ताक में रखना चाहिए पर फिर मैं कहूं हमारे प्रवचन सुनने के लिए समझ बहुत जरूरी है भाग वहां स्वर्ग है समझ की क्या जरूरत मान लो वहां नरक है मरने के बाद ये होता है इसमें समझ की जरूरत है समझ लगाओगे तो सब गड़बड़ आ जाएगा लाखों लाखों कथाएं हैं जिसमें समझ की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेवकूफों को सुननी चाहिए दिमाग की जरूरत ही नहीं है जो कहे मानते चले जाओ वहां नरक है इनके बाप देखा है वहां स्वर्ग है तुम्हारे पिताजी स्वर्गवास हो गया चिट्ठी लिखी है तुमको फोन आया है वहां तेल के कड़ाए हैं वहां उबाले जाते हैं वहां स्वर्ग है अफ्सराए हैं वहां से पत्र आया है कि मुझे यहां अफ्सराए मिली हैं दुनिया के किसी पंथ के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है बल्कि जितने ही दिमाग ना हो उतने ही उनकी कथाएं सक्सेस होंगी और उनके मजहब चलते रहेंगे सत्य सुनने के लिए समझ और चाहिए इतनी काफी नहीं है जो तुम्हारे पास है इसलिए उससे गुरु मत गुरु की समझ चाहिए गुरु मत का प्रचार सौभाग्य से आज गुरु मत के प्रचार करने वाले संत आएंगे संत मत गुरु मत हम वेद मत वाले हैं अब वेद मत की जो बात कहे वही संत मत है संत और वेद का मत दो नहीं हो सकते कोई पाखंड नहीं है आपको मैं धन्यवाद देता हूं और मेरी कथा में यदि बढ़ जाए संख्या तो मैं फिर बहुत खुश होता हूं कि मेरी कथा में बढ़ गए घटने चाहिए एक दिन आए पल्ले नहीं पड़ा कल क्या करेंगे समझ तो आता ही नहीं तो घटना चाहिए मैं समझता हूं जब घटेंगे तब मैं ये समझता हूं कि ठीक गलती से आ गए थे इसलिए अब नहीं आए अब बढ़ जाए तो फिर मैं खुश इसलिए होता हूं कि अच्छा मेरी बात समझ आ गई मेरी बात समझ आ गई झांसी वालों को मेरी बात तो कई संतों को ही समझ नहीं आवे जिन्होंने घर बार छोड़े उनकी समझ नहीं आवे तुम्हारी समझ आ गई आ और कभी कभी तुम्हारे ब्योत का जैसे अपने ब्योत का कपड़ा होता है नहीं फिट बैठता है कई प्रवचन भी तुम्हारे ब्योत के होते हैं जो तुम्हें फिट बैठते हैं तो बुरा नहीं है तुम्हारे ब्योत के भी प्रवचन हो बुरे नहीं है पर ज्यो ज्यो तुम्हारा कद बढ़ेगा ब्योत बदल जाएगा जिसको उसी साइज के जिंदगी भर कपड़े चले समझो बढ़ा ही नहीं समझ विकसित नहीं हुई यदि वही कथाएं अच्छी लगती रहे जो पचास साल पहले सुनते थे तो मैं समझूंगा तुम मूरख आदमी हो नहीं वही कथा इतने दिन अच्छी नहीं लग सकती कुछ कथा का समझने का ढंग समझाने का बदलना चाहिए था हमको जो कथाएं तब अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती कल जो सच्ची लगती थी अब सच्ची नहीं लगती क्योंकि समझ बढ़ी है बदली है जिन जो वहीं खड़े हैं बौने उनको वही स्वेटर चलता रहेगा वही कपड़ा जिंदगी भर चलेगा वही जूता चलेगा यदि तुम्हारा जरा भी विकास होगा तो वो कपड़ा कैसे चलेगा तो आपसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा समझ बढ़नी चाहिए पर साल भी प्रवचन समझ में नहीं आता था इस साल भी समझ नहीं आवे तो तुम वहीं खड़े हो हजारों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बीते साल से इस साल हमें बहुत क्लियर हुआ कई शिविर से लौटते हैं कहते हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया कई कहते हैं पहले आपकी बात समझ नहीं आती थी अब समझ आनी शुरू हुई है कई लोग यह भी पूछते हैं कि पहले आपको समझाना नहीं आता था या हमें समझना नहीं आता था पहले आपको समझाने की अकल कम थी कि हमें समझने की अकल कम थी मैंने कहा कुछ भी मान लो कुछ बदलाहट आई है चाहे मुझ में आई हो चाहे आप में आई हो और ये भी संभव है कुछ मुझे समझाते समझाते समझाने की क्षमता बढ़ी हो और तुम्हें भी संभव है कुछ समझते समझते समझने की क्षमता बढ़ी हो हजारों साल पहले जो तुम मानते थे वही मान रहे हो जरा भी समझ में परिवर्तन नहीं आया राजनीति में आया पहले चुनाव नहीं होते थे चुनाव होने लगे पहले कई लोग सदा प्रजा ही रहते थे आज राजा बनने का अवसर मिला है कई लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कई लोगों को अधिकार मिला है महिलाओं को मिला पिछड़ों को मिला गरीबों को मिला कई जातियों को मिला इतना परिवर्तन आया पर क्या सुनने में इस क्षेत्र में जरा भी परिवर्तन नहीं वैसे ही तो फिर याद करो ब्रह्म कौन है जिससे भिन्न कोई हो नहीं सकता जिससे अलग कोई नहीं हो सकता उसका नाम ब्रह्म है अलग होकर रह नहीं सकता लहर जल से अलग होकर रह सकती है ना बर्तन मिट्टी से अतिरिक्त मिट्टी को छोड़कर हो सकता है औजार लोहे को छोड़कर उसके बिना बिना किसी धातु का गहना तो सोना चांदी इसलिए मैंने बोल दिया कई वकील होते हैं जब हम कहते सोने के बिना कोई गहना तो दूसरा बोल देगा बीच से चांदी के भी होते हैं। वो समझेगा मैंने बड़ा तीर मार दिया हम तो बताना ये चाहते हैं कि बिना किसी आधार की कोई चीज बन सकती है क्या प्रश्न तो ये है तो ये जगत किससे बना है आहा। दुनिया में यदि सबसे पहले किसी ने घोषणा की है और आज भी बतावे कोई उपनिषद ये कहते हैं जिससे संसार हुआ है जिसमें संसार है जिसमें संसार लय हो जाता है उसका नाम ब्रह्म है परिभाषा ब्रह्म की ये और पढ़ाया जाता है ये ब्रह्म है ये ये भगवान है लो फार्मूला कुछ कह रहा है सिद्धांत कुछ कह रहा है अब पूजा क्या चल रही है कथा क्या चल रही है और इसी दुर्भाग्य के कारण चूंकि वेद का सही प्रचार नहीं किया गया इसलिए लोग वेद से घृणा करने लगे वेद के पुजारियों को पत्थर पुजारी माना जाने लगा वेद के पुजारी पेड़ों के पुजारी माने जाने लगे कहीं चूक हुई जो सबसे पहले सचमुच ब्रह्म का परिचय देने वाला भारत उसको लोग कहते इसे भगवान का पता नहीं है और जिन्हें भगवान का आज तक पता नहीं है वो भगवान की बातें कर रहे हैं आज तक जिन्हें परमात्मा का पता नहीं है क्या होता है और दुर्भाग्य उसमें है भारतीयों का ये भी कि भारत में भी ऐसे कथाकार हो गए जिनका ब्रह्म से जरा भी लेना देना नहीं है सिर्फ चढ़ौती से लेना देना है हरे शिष्य धन शोक न हरई हरे शिष्य धन अज्ञान न हरई भ्रम न हरा जबकि कहा सतगुरु मिले ते जाए जिम संशय ब्रह्म समुदाय संशय भ्रम समुदाय के हरने के लिए गुरु होता था आज संशय भ्रम समुदाय में फंसे आदमी को सिर्फ लूटता है गुरु सिर्फ लूटता है और ना समझो को जितना अच्छे ढंग से लूटा जा सकता है समझदारों को नहीं इसलिए कई गुरु समझ विरोधी है यदि समझ जागी तो हमारी दुकानें ठप्प हो जाएंगी हमारी दुकान में आएगा कौन इसका नाम भारत इसीलिए था भामाने ब्रह्म भामाने प्रकाश जो प्रकाश में रत था जो प्रकाश का पुजारी था आज अंधकार का पुजारी बना है अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं अविद्या में फंसा दूसरे को ज्ञान बांटता है जिसका परमात्मा से लेना देना नहीं वो परमात्मा का प्रचारक बन बैठा है बहुत कम दुनिया में हुए जो संत रविदास जैसे हुए संत कबीर जैसे हुए जिन्होंने पाखंड की धज्जियां उड़ाई सत्य का प्रचार किया आपसे अब फिर मैं कहूं जितनी बातें कहता हूं एक भी काटने के लिए तैयारी करके आना सत्य के बिना किसी वस्तु की सिद्धि कर दो बिना किसी आश्रय या सत्य वस्तु के किसी का निर्माण संभव है यदि यहां भी पानी तैयार हो सकता है तो यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ होगा उसके मिश्रण से जल तैयार हो जाएगा कोई चीज जब निर्मित होती है तो निर्मित होने के लिए कोई सत्य चाहिए जिससे वो निर्मित होती है शून्य से कोई संसार खड़ा नहीं कर सकता हाँ ये हो सकता है कि हमारी नजर में जो नहीं आता हमें शून्य लगता है पर वहां कुछ होगा आप देखते हो बर्फ के पानी का गिलास ठंडा पानी का गिलास रख दो रख देना गर्मी के दिनों में ठंडा पानी गिलास में रख देना यहां कहीं पानी नजर नहीं आता पर ग्लास के ठंडे पानी के चारों तरफ ग्लास में पानी आ जाएगा पहले मैं सोचता था ये ये छेद के बाहर कैसे पानी आ गया ग्लास कांच का ग्लास स्टील का ये बाहर पानी कैसे आ गया देखा है कभी स्टील के ग्लास में बाहर पानी बोलो देखा है ना कहां से आता है भीतर का चीर के आ गया पहले मैं सोचता था समझती ही नहीं कि ये पानी भीतर भरा ये बाहर कैसे नाप के आया उतने में बाहर आया जितने में भीतर था विज्ञान ने हमें बताया कि उस ठंडक के कारण बाहर जो भाप थी वो पानी में तब्दील हो गई बाहर की कार में भी देखते हो बार 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 वो आ जाता है हा जो चीज पैदा होती है उसका कुछ ना कुछ तो होगा आधार जगत ऐसे ही पैदा हो गया क्या जगत का कोई कारण नहीं है जगत ही कारण है क्या जगत का अपना अस्तित्व है क्या जगत कहीं से निकलता है वृक्ष निर्बीजावस्था से भी वृक्ष नहीं निकलता निर्वीज से वृक्ष नहीं निकलता बीज से वृक्ष निकलता है भले तुम्हें नजर नहीं आता था था वहां तब निकला ये जगत कहां से आया ये मन कहां से आया और ये समझ कहां रोज चली जाती है यदि समझ ही सत्य थी तो ये समाप्त नहीं होती लय नहीं होती वृक्ष खो जाता है वृक्ष पुनः आता है इसी तरह यह आपका मन ये आपकी इंद्रियां ये देखना सुनना आपका बना रहता है कि गायब होता है बोलो फिर कहां से आता है ये रोज हो रहा है उससे तुम परिचित नहीं हो ध्यान नहीं दिया आखिर ये दिमाग कहां जाता है ये सोचना सुनना समझना कहां जाता है जाता है जिस संप्रदाय में न जाता हो बताओ ये इस्लाम का मत है कि हिंदू का है ये सो जाने का जगने का रिवाज जवानी बुढ़ापा किस संप्रदाय की फिर भी रोज एक संप्रदाय पैदा होता है हम जानना ही नहीं चाहते जानने में इंटरेस्ट नहीं है आनंद क्यों आता है काम में खाने में स्वाद क्यों आता है कोई कारण नहीं है ऐसे ही पुरुष को स्त्री स्त्री को पुरुष क्यों प्रिय लगता है कोई कारण नहीं है खट्टा मीठा यही क्यों लगता है गले के थोड़ा नीचे क्यों नहीं लगता यदि भीतर जाके मीठा लगता तो एक गुलाब जामुन का आनंद दिन भर लेते रहते बस इसके नीचे गया आनंद गया मजा गया बस इतने के लिए दो के चार खा जाते हैं सिर्फ इतने के लिए इससे गुजर जाने के बाद कोई मजा नहीं आपको तो बाद में भी आता रहता है आपकी कुछ नस नाड़ियों से वीर और शक्ति की ऊर्जा बहती है बस उस जगह आनंद होता है बाकी क्या है बस उतने के लिए मरे जा रहे हैं इतनी सी जबान के लिए इस जगह लगने के लिए इस जगह चटनी इस जगह इस जगह लगाओ चाटो भाई इतने के लिए आज ज्यादा हो जाता है ये गेटकीपर ये सीमा सुरक्षा बल ये जो सीमा में बैठे इनसे सावधान रहना ये आतंकवादियों को अंदर आने देते हैं सारी व्यवस्थाएं तो इसकी नकल है यहां पर भी है सब घालमेल चलता है रिश्वत चलती है इस चटोरी जबान को मन का हो फिर चाहे जहर खिला दो फिर चाहे मरे खुद भी जानते हो ये पासा ही है किला तुम्हारा लक्ष्मी बाई की दुर्दशा कराने में उसी का चौकीदार लेकिन अंग्रेज समझदार थे चौकीदार मिला और जाकर के सब उनको भागना पड़ा पर अंग्रेजों ने जानते हो क्या किया यानी जो अपने मालिक का नहीं हुआ ये चौकीदार आज हमारे से प्रभावित होकर के अपने मालिक की दुर्दशा कराई है तोप के सामने खड़ा करके मार दिया था जो इंद्रियां तेरी नहीं हुई तेरे को धोखा दे रही हैं जो सीमा वाले अपने देश को धोखा दे रहे हैं ये तुम्हारे हैं उनको तो वही गोली से मार देना चाहिए चाहे वो पुलिस का हो जो भी बैठा है सुरक्षा के लिए वही गड़बड़ करवाता है इनको नौकरी से हटाना नहीं बल्कि इनको फांसी पे लटकाना चाहिए जो इंद्रियां तुम्हारी और इनको फुसला लो तो चाहे कुछ जाने दो धर्म जाने दो राष्ट्र जाने दो स्वास्थ्य जाने दो शांति जाने दो सब चली जाए भाई इनके मन का हो जाए हैं ना हमारे मन का ये मन का और हित दोनों में फर्क नहीं है मन का तो रोज करते ही हो ये मन भी तुम्हारे मन का नहीं है इस मन ने तुम्हें कितना धोखा दे इसीलिए कोई संत जन ही जानते कोई सब वो भी नहीं कोई संत जन ही जानते सब साधु भी नहीं जानते कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को कितने को धोखा दे चुका है नचा चुका है बेकूफ बना चुका है फंसा चुका है गिरा चुका है पतित कर चुका है तुम इस मन का भरोसा करते हो हजारों को धोखा दे चुका है तुम्हारे यहां आया है तुम्हारे यहां आके अच्छा हो गया है, तुम्हें धोखा नहीं देता इन इंद्रियों का भरोसा करते हो जो जरा में बिक जाती है कैसे मैं समझाऊं, और फिर एक ही दिन में सब समझाऊं रोज समझाता हूं कैसे ले लिया करो शिविर के मैं एजेंट नहीं दलाली नहीं करता पर कितना भी बताऊं एक दिन में कितना बताऊंगा यदि तुम्हारे दिमाग में बात धसनी चाहिए यदि यह है तो कुछ छोड़ा नहीं कभी आज कहा कभी कल कहा कभी कभी कहा सब बिकता है वो मिल जाएगा आप रोज सुनो संकल्प लो कि हम रोज सुनेंगे तुम रोज सुनने का संकल्प नहीं ले सकते ज्ञानी होना चाहते हो यदि तुम्हारे में स्वाध्याय की चिंतन की क्षमता नहीं है तो सुनने की है रोज सुनो अपने आप समझ आ जाएगी विज्ञान की ये है, यदि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ बुरा दिया है तो विज्ञान शक्ति है उस अच्छाई भी दे सकता है यदि टीवी और चैनल कुछ तुम्हें दे सकते हैं तो उस विज्ञान ने ऑडियो बी डी दी है इनको भी आप रोज सुन सकते हो रोज देख सकते हो बच्चा हो तब ना फिर लौटो उस बात पर तीन चार चीजें तो जाननी है कि आत्मा या ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है उसके बिना कुछ हो नहीं सकता और तुम ही आत्मा तुम ही ब्रह्म हो तुम ही सब कुछ हो तुमसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है यह समझना आसान है क्या मैं तो उनसे भी पूछता हूं जो दूसरों को समझाते कि ये बात क्लियर हुई खोपड़ी में धी कभी कभी मैं सब पर व्यंग करता हूं तुम चलो भगत हो सिया राम मैं सब जग जानी प्रभु मैं जग सारा संसार प्रभु मैं सियाराम राम अब हमने बड़ा तीर मार लिया राम की जगह ब्रह्म की जगह कह दिया गुरुमय जग दिखलाव है मुहिदू दूजो न भाव है शब्द बदल दिए कोई समझ बदली गुरुमय है एक गुरु भाई पड़ोसी को मरवाना चाहता है गुरु भाई गुरु भाई को मरवाना चाहता है जरा सा उन्नति हो तो टांग घसीटता है और गुरुमय जग दिखलाव क्या है सब बातें बकवास कम से कम समझ में तो आ जाए फिर प्रैक्टिकल नहीं होगा धीरे धीरे होगा पर सिद्धांत तो समझ आए कि ये सब गुरु कैसे है ये सब ब्रह्म कैसे है मानना बाद में समझो तो यदि एक बात क्लियर होगी तो प्रैक्टिकल की दूसरी थ्योरी तो हो यदि थ्योरी ही क्लियर नहीं है थ्योरी ही गले नहीं उतरी तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या है क्या ये बात समझ आ गई कि ब्रह्म ही ब्रह्म है फिर कहना कि हम टिक नहीं पाते फिर कहना कि गड़बड़ हो जाती है सिद्धांत मान लो कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है पहले फिर यह कहो अभी हम चल नहीं पाते हिंदू धर्म का पालन भी आसान बोलो हम भाई बहन के रिश्ते मानते हैं फिर भी अभी हम टिक नहीं पाते कम से कम ये तो पहले स्वीकारो कि धर्म श्रेष्ठ है पर अभी हम चल नहीं पाते पर चल तुम नहीं पाते धर्म को अफीम कहने लगे चलने की दम तुम में नहीं है धर्म को पाखंड कहने लगे जो चल नहीं पाते वो अंगूर खट्टे लोमड़ी उछलती रही अंगूर पाया ही नहीं तो लौट के जा रही थी कहन क्या बात है कहन अंगूर स्वादिष्ट नहीं है खट्टे खट्टे इसलिए कि अपनी नाक बचा रही है धर्म बेकार इसलिए कहते हो कि धर्म में चलने की तुम में दम नहीं रह गई और धर्म को पाखंड कहते हो समझ में आता नहीं है तो वेदांत नास्तिकों की बात कहते हो अपनी नाक बचाने के लिए अपने पाखंड को आदर्श बताने के लिए झूठी बातों में अटके हुए हो इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि कम से कम ईमानदारी तो लाओ कहो अभी मेरी समझ नहीं आया ब्रह्म ही ब्रह्म है ये मेरी अभी बुद्धि में ही नहीं आया आचरण की छोड़ो पहले सिद्धांत तो समझ आ जाए इसलिए वेदांत कहता है पहले आपकी मति के भ्रम जाने चाहिए संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ ज्ञान हो जाए फिर आचरण की बात बाद में करना पहले स्वीकार करो कि बहन होती है फिर आप अपनी मन की कमजोरी कहो कि कभी कभी हमारा मन खराब होता है फिर यह कहो हम विवाह के सिद्धांत को मानते हैं कि जिससे पत्नी के अतिरिक्त हमारे और कोई मेरी पत्नी नहीं है और कोई बहन है कोई बेटी है कोई मां है कोई चाची है पत्नी सिर्फ ये है मेरी फिर ये कहो कि मेरा मन औरों के प्रति भी गड़बड़ होता है फिर हम पूछेंगे माँ के प्रति कहते हो नहीं होता क्योंकि माँ में पक्की बात है संदेह नहीं है और वो लड़की तुम्हारी बहन है तो लगती है तो सगी नहीं है थोड़ी दूरी बनाई आप उस समझ के भेद को समझो वहां क्यों मन खराब होता है क्योंकि वो तुम्हारी बहन नहीं है तुम जानते हो कहीं ना कहीं इस तरह से तुम जानो पहले कि ये भगवान है सचमुच है भगवान समझाए फिर अपने आप प्रैक्टिकल होने लगेगा पहले प्रैक्टिकल हो जाएगा तब थ्योरी पढ़ोगे पहले थ्योरी तब प्रैक्टिकल पहले समझ में तो आ जाए कि पर ये संसार ब्रह्म क्यों है क्यों क्योंकि जैसे एक उपादान मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी ही होते हैं एक उपादान जल से बने लहरें जल ही होती हैं। इसलिए एक सत्य से चूंकि जगत बना है ये क्लियर हो गया इसलिए जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है और किसी संस्कृति में ये ये व्याख्या ही दे दो विश्व की किसी संस्कृति में ये व्याख्या दे दो जो हमारा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान निमित्त भी है उपादान भी है बनाने वाला भी है और वही बना है मिट्टी से घड़ा बना पर मिट्टी ने घड़ा बनाया कुम्हार ने बनाया पर अपने मांस से नहीं बनाया इसलिए न कुम्हार ईश्वर है न मिट्टी ईश्वर है क्योंकि मिट्टी ने बनाया नहीं घड़ा जिसने बनाया उसने सामग्री अलग से ली है पर ब्रह्म कौन है जिसने खुद अपने आप को ही जगत के रूप में खड़ा कर दिया है और कोई मसाला नहीं लिया इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कौन है ईश्वर ईश्वर आसमान में बैठकर दुनिया नहीं बनाता दिल्ली में बैठे राजा जैसे देश चलाते हैं ऐसा ईश्वर नहीं चलाता तुम्हारे मन के भीतर रहकर उसको चलाता रहता है वहीं रहता है बाहर रहकर तुम्हारे अंत का प्रेरक नहीं है पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण अयोध्या में रहकर तुम्हारे मन का संचालन नहीं करता तुम्हारे सबके भीतर रह कर के सबका संचालन करता है परमात्मा की व्याख्या क्यों इधर उधर करते हो आजकल जो वेद को लोग इधर उधर कहते हैं वो इसलिए कहना चाहते हैं कि अपनी झूठी कल्पनाओं को सत्य बताने के लिए वेद को पहले निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि तुम वेद पढ़ोगे तो इनका पाखंड सिद्ध हो जाए इसलिए सबसे पहले वेद ही को काट दो फिर अपनी दुकान जमाओ अपनी दुकान के स्वार्थ के लिए वेद की उपेक्षा करते उपनिषद को बला बुरा कहते हैं मैं संप्रदाय का नाम लेकर के तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं डालना चाहता कितने हैं गुब्बारे जैसा भगवान बनाकर शिव बाबा दिखाकर कहते हैं ये है भगवान और इसीलिए उपनिषदों का खंडन करते हैं क्यों करते हैं क्यों उपनिषद ने परमात्मा को व्यापक बताया है। उन्हें व्यापक नहीं बताना उनके तर नाली में भगवान कैसे रहेगा बड़ी समस्या है और तुम्हें जम जाता है फिर चोर चोरी कैसे करता है यदि भगवान वहां होते उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा उनकी दलीलें और तुम्हारी बुद्धि के स्तर को देख के ऐसी दलीलें आप में काम करती हैं तुम्हारे भीतर ईश्वर है तुम्हारे मन में रहता है तुम्हारे मन को सत्ता देता है पर उसका ढंग है उसकी सत्ता से पहले जीवत हुए और फिर हम ये कहते हैं कि यदि परमात्मा चलो ऊपर ही रहता है तो इनके सहारे से वो ज्ञान क्यों देता है इनकी दुकान जमाने के लिए यदि परमात्मा चलो गुब्बारे की तरह है तो फलाका शरीर का सहारा लेकर तुम्हारा शरीर का सहारा क्यों नहीं ले लेता उसको कौन रोकता है यदि उजेला है यदि प्रकाश है तो अंधकार रोक नहीं सकता प्रकाश के आने के लिए प्रकाश जाकर कोई कहे ये अंधेरा पहले ये करे तब प्रकाश आएगा यदि भगवान को विश्व का भला करना है तो सीधा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए किसी एक ब्रह्मा की क्या जरूरत है किसी आबू टाबू में बैठ करके ही उद्धार करता है तुम्हारे को रोक लगी है अंधेरा प्रकाश के आने को रोक सकता है।, है दम हाँ प्रकाश जरूर अंधकार के आने को रोक सकता है पर अंधकार प्रकाश के आने को नहीं रोक सकता कोई पापी भगवान को अपने में आने से नहीं रोक सकता यदि वो आना चाहता है तो उस सत्य को हम लोग इसीलिए पहले से कहते हैं उस सत्य का स्मरण जो करता है उस सत्य का जो स्मरण मात्र कर यश स्मरण मात्र ज्ञान उत्पद्य स्वयं जिसके स्मरण से ज्ञान स्वयं पैदा हो जाता है जरूरत ही नहीं पड़े जिसका स्मरण ही ज्ञान है ज्ञान और कोई चीज नहीं है केवल उसका स्मरण ही ज्ञान है ब्रह्म का स्मरण का ही नाम ज्ञान है पर ब्रह्म कैसे स्मरण करोगे जिसका स्मरण करते हो आदमी है औरत है पेड़ है पहाड़ है पाप है पुण्य है जिसकी याद आती है आपको कभी की हुई गलती याद नहीं आ जाती बोलो किए हुए अच्छे काम कभी याद नहीं आते आ जाते ब्रह्म कब याद आया स्वप्न याद आते हैं बुरा बुरा स्वप्न हो गया उस दिन मरा मेरा मन बड़ा खराब हो गया था ब्रह्म कब मिला तुम्हें उस ब्रह्म की याद करने की विधि क्या है उस ब्रह्म को कैसे याद करें तो आज अभी ब्रह्म नहीं आज हम सिर्फ अभी कूटस्थ आत्मा की याद कराएंगे आज कल ब्रह्म आज भूमि का अब आपको याद आत्मा की कराएंगे आत्मा माने आ आत्मा और ब्रह्म ये वेदांत का रहस्य आज तक शायद ही कोई जानता हो आत्मा और ब्रह्म भी कह देते हैं फिर आत्मा की आत्मा की परिभाषा और ब्रह्म की और आत्मा माने जो यहां का अनुभव करता है ध्यान रखो जो आंख में विद्यमान है वो तुम हो वो आत्मा है जो यहां जिसमें अभी संदेह नहीं है जहां से शुरू यात्रा कर सकते हो यदि मैं कहूं कि आप पांच फुट चलो तो कहां से चलोगे जहां मैं बैठा हूं यहां से चल सकते हो एक रुपया ना मैं कहूं पांच फुट चलो पर जहां मैं बैठा हूं यहां से चलो तो यहां से चलने के पहले ही आप कई फुट चल चुकोगे नहीं तो इनाम दूंगा यदि यहां से चल दो तुम बिना वहां से चले अच्छा एक हजार दे देता हूं मैं कहूं तुम मेरी जगह से चल पड़ो एक हजार इनाम लेकिन चलना शुरू यहीं से करना कर सकते हो बोलो कहां से करोगे जहां बैठे हो तो ध्यान कहां से शुरू करोगे जहां मैं बैठा हूं जहां ब्रह्म ज्ञानी बैठा है वहां से ध्यान शुरू करोगे ध्यान शुरू करने के लिए तुम्हारी जहां से क्षमता है वहां से शुरू करना है जिसमें तुम्हें संदेह ना हो वहां से शुरू करेंगे निसंदेह तुम जहां बैठे हो मैं कहता हूं तुम यहां बैठे हो जहां मैं भरोसा है तुम्हें तुम कहोगे नहीं हम तो वहां नहीं बैठे हम वहां से कैसे चलेंगे तो आंख में तुम जरूर होते हो और आंख छोड़ते भी हो मुझे मालूम है आंख बंद करो आंख बंद कर लो सुख आसन से बैठ जाओ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है पर एक बात ध्यान रखो कि तुम कहते अपने को बैठा हूं यदि तुम बैठे हो तो आंख में कौन है और आंख से जाता कौन है जरा ध्यान दो अंदर आंख बंद करके शरीर को बैठा रहने दो मैं आज तुमसे पहले निर्णय करूंगा कि आंख में आंख बंद आंख में आंख के पास जाओ फिर आंख के पास से कान के पास जाओ फिर जरा ध्यान को तुम श्वास पे ले जाओ जो श्वास के पास गया है वो कौन है उसका नाम तुम है या नहीं तुम इस समय कहा हो? तुम एक उत्तर रटा रटाया कि हम यहां बैठे हैं। नहीं इसको बैठा रहने दो इसके भीतर बताओ तुम कहां हो तुम झांसी में हो ये बुरी बात है झांसी में नहीं हो ये कहो हम पंडाल में अब पंडाल में भी बुरी बात है इस समय तुम बताओ तुम पंडाल में थे या और कहीं इस समय फिर सावधान हो तुम कहा ढूंढो अपने को तुम पूरे यही हो या बीच में घर चले जाते हो तुम पूरे यही हो सुन रहे हो कि कुछ सोचने लगते हो तुम पूरे यही आंखों में हो तुम सावधान हो मैं उसको कहता हूं जो तुम हो झांसी तुम नहीं हो शरीर तुम नहीं हो तुम बैठे हो इस सबसे बड़ी झूठ बात है यदि तुम ये यह, यहां होते तो और कहीं कैसे जाते यदि तुम आंख में ही होते तो कान में कैसे चले गए और कान ही होते तो श्वास में कैसे गए इसलिए कान में भी तुम हो कान तुम नहीं हो आंख में भी तुम हो पर आँख नहीं हो नहीं खिसक नहीं सकते यदि दीवार तुम होते तो बाथरूम में कौन जाता बाथरूम से निकलकर किचन में कौन जाता यदि मकान तुम होते तो बेडरूम में चल के कौन जाता बेडरूम से सुबह कौन उठता यदि ये शरीर तुम हो तो यहां बैठे और कहीं कैसे चले जाते हो यदि शरीर ही तुम हो तो यदि शिर हो तो श्वास में कौन गया यदि आंख तुम हो तो आंख तो वहीं बनी रही श्वास में कौन चला गया तो जो चला गया वो तुम्हारा मैं लगता है या जो यहां बैठा है ये तुम्हारा मैं लगता है मैं किसे कह रहे हो? इस भ्रम को तोड़ो ये बैठा हुआ दे एक मकान की तरह तुम इसमें फिरते रहते हो कभी आंख में कभी कान में कभी श्वास में मैं नहीं कहता कि तुम घर में चुपचाप बैठ जाओ तुम चलो अपने घर में फिरो पर यह तो कहो कि मैं टहल रहा हूं मैं अब बाथरूम में आ गया अब बेडरूम में आ गया अब मैं पेट में आ गया अब मैं आंख में आ गया अभी तुम चलो रुको मत शरीर को रुक जाने दो तुम चलो तुम भीतर चलो श्वास में आओ नाम जपो जबान से मत जपो नहीं तुम कहोगे मैं जबान हूं इस बाणी से मत जपो इन हाथों से मत जपो नहीं तुम्हारा देहाध्यास बना रहेगा तुम कहोगे मैं जपता रहा माला फेरता रहा चूंकि तुम हाथ हो अब मैं कहता हूं हाथ हिलने मत दो उतली हिलने मत दो शरीर ने मत दो वाणी को बोलो मत और फिर भी तुम जपो श्वास में श्वास में जपो शो हम वाणी से मत बोलना नहीं तो तुम कहोगे मैं जबान हूं इस, इस जबान के बिना तुम बोलो शो हम शो हम शो हम बिना हाथ और माला के जपो शो हम शो हम अब ये पूछो तुम जप रहे हो कि नहीं जपने में मन लगाया कि नहीं जपने में तुम्हारी प्रीति है कि नहीं और जो जपने में प्रेम कर रहा है ये तुम हो कि नहीं तो ये हाथ तो नहीं है ये जो प्रेम कर रहा है श्रद्धा से शो हम बोल रहा है ये ये बाहरी जबान तो नहीं है ये वैखरी तो नहीं है बाहर की जबान तो चुप है बाहर के हाथ तो निष्क्रिय हैं, ये जब कौन रहा है? तो ये मैं नहीं है इसका नाम मैं नहीं है यदि उसका नाम मैं है तो ये बैठा कौन है इसे मैं क्यों कहते हो क्या चार मैं हो तू और या तो कहो मैं ही मूर्खता से इसको मैं कहता हूं अब थोड़ी समझ जगी तो मैं मन को मैं कहता हूं इसलिए पहले वैखरी से जाप अब मध्यमा से जाप मध्यमा ख्याल भावना से जाप फिर और गहरे चेतना से जाप पश्चिम छोड़ते जाओ शरीर छोड़ दो वाणी छोड़ते जाओ और गहरे जाओ अंदर से बोलो सो हम अंदर से बोलो माने तुम बोलो तुम अंदर हो जबान बाहर है हाथ बाहर है शरीर बाहर है तुम इसके भीतर हो तुम बोलो सो हम सो हम सो हम जो भीतर बोल रहा है सो हम अभी तक हम बाहर बैठे हुए देह को हम कहते थे हाथों को हम कहते थे हम जप रहे हम कर रहे हम चल रहे अब अंदर से शरीर यहीं बैठा रहता है तुम चलते हो कभी श्वास से आंखों में पहुंच जाते हो आंखों से श्वास में पहुंच जाते हो कभी भीतर से बाहर चले जाते हो ये चले जाने वाला कोई और है उसका ध्यान दो फिर धीरे धीरे ये मन भी चला जाता है कभी सुमिरन छोड़ता है कभी श्वास छोड़ता है अब एक कदम और बढ़ाओ ये मन गया जानता कौन है ये जो जाता है ये तुम हो या जाने वाले को जान जाता है कोई ये तुम हो तुम कौन हो जिज्ञासु हो तो खोजो तुम कौन हो तुम कौन हो तुम कौन हो ये बैठा हुआ दे तो तुम तन हो या तुम मन हो यदि मन नहीं हो तो फिर क्यों कहते हो मैं ठहरता नहीं शांत नहीं रहता भग जाता हूं कभी बाहर कभी भीतर यदि तन हो तो ठहरा तो ही हुआ है तन तो ठहरा ही हुआ है कौन नहीं ठहर रहा तब कहो मन मन से तुम्हारा क्या लेना देना है और यदि तन हो तो कहो हम ठहरे हैं हम ठहरे हैं हम ठहरे हैं।, हैं पूरे तन हो जाओ पहला ध्यान तुम शरीर हो अब तुम ठहरे हो अब यह मत कहना मैं चंचल हूं यदि चंचल कह दिया तो फिर तन्ना रहे शरीर स्थिर है तुम शरीर हो तो तुम बैठे हो अडिग हो हलचल रही तो प्रतिमा की तरह हो क्योंकि तुम शरीर हो यदि इसके अलावा कुछ हो तो फिर ये कहो ये तो शरीर है जो बैठा है मैं तो अभी भी स्थिर नहीं हूं इसका मतलब मैं स्थिर नहीं हूं या जो स्थिर नहीं है वो मैं हूं अर्थात चंचल मन भगने वाला मन दुखी होने वाला मन ये मन मैं हूं ईमानदारी से कहना क्योंकि जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा बात नहीं बनेगी बैठा तो जरूर है लेकिन तुम बैठे हो तो शिकायत मत करना कि मेरा ध्यान नहीं लगा मैं शांत नहीं रहा मैं भागा भागा फिरता रहा यदि शरीर हो तो कहां भागे भागे फिरते हो जब भागना तब भागना अभी नहीं भाग रहे अभी तो ज्यो के हो, बैठे हो बैठे हो बैठे हो और दूसरा तुम चंचल हो तुम चंचल हो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं फिर अगला कदम मैं चंचल मन भी नहीं हूं स्थिर देह भी नहीं हूं चंचल मन भी मैं नहीं हूं इस चंचल मन को चंचल मन के साक्षी कहाँ है मन कहाँ गया मन बस जानते रहो और ये कह दिया करो मन वहां गया मुझे पता चल गया मन आ गया पता चल गया मन जब कर रहा है पता चल गया जब छोड़ दिया पता चल गया सोहम 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 चैतन्य अब तुम चैतन्य हो अब एक मिनट को यहां वहां का ख्याल छोड़ दो क्योंकि यहां भी तुम्हारा ख्याल वहां भी तुम्हारा ख्याल ये भी तुम्हारा ख्याल वो भी तुम्हारा ख्याल ऐसा भी तुम्हारा ख्याल वैसा भी तुम्हारा ख्याल तुम कौन हो इस ख्याल के आश्रय इस ख्याल के साक्षी इस ख्याल के आत्मा जगत के आत्मा नहीं आत्मा माने मन के साक्षी माने मन के इस मन का मैं साक्षी हूं इस मन का मैं आश्रय हूं इस मन का मैं आत्मा हूं मन मुझ में होता है मुझे मेरी सत्ता से भगता है मेरी लहर भगती है पैदा होती है जल में भगती है जल में खोती है जल में जल को छोड़कर कैसे भागेगी जल तो उसका आत्मा है मन पैदा होता है तुम में मन जाता है तुम्हारे साथ मन रहता है तुम्हारे साथ और मन खो जाता है तुम एक सेकंड ऐसा मन खोया तो चेतन तो था, था। मैं तो था मन न था जब मन था तब भी मैं था मन अकेला नहीं था जब लहर थी तब पानी था पर एक समय आया जब लहर न थी जल था बस एक क्षण और ढूंढ लो मन था तब तुम्हारे बिना मन नहीं था तुम्हारे बिना मन हो तो मुझे उस क्षण की बात बताना जब मन हो तुम ना हो फिर मैं तुम्ही से पूछूंगा मन का कुछ बच गया भले उसका नाम न ले सको बयान न कर सको पर था जब मन न था और भी मैं हूं ये ख्याल मैं हूं ये ख्याल नींद में नहीं रहता मैं हूं ये कल्पना कभी कभी ध्यान में खो जाती है खो जाने दो इस मैं का ख्याल भी खो गया इस मैं का प्राण कौन इस मैं का जीवन कौन इस अहंकार का आश्रय कौन इस मैं हूं ख्याल का जीवन कौन मैं हूं का ख्याल खोया तब भी कुछ तो था जब मुझे मैं की खबर न थी तब भी कुछ तो था बेखबरी का उस शून्यता का उस निर्विकल्पता का आश्रय कौन आश्रय कौन क्या मन होता है तो तुम नहीं होते या तुम ही मन हो जाते हो और जब मन नहीं होता तब क्या नहीं होते भले तुम अपना वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि उस समय न हिलना है न चलना है न वर्णन है क्या करें मन नहीं है मन नहीं है तो बयान कैसे करोगे पर क्या मन न होने पर होते ही नहीं हो ये कहो हम वर्णन नहीं कर सकते पर होते हैं हम अपने विषय में विश्लेषण नहीं कर सकते पर होते हैं विश्लेषण कर सकते थे देखे देखे मन का वर्णन कर सकते थे विकारों का वर्णन कर सकते थे शरीरों का लेकिन मैं अपना वर्णन कैसे करूं जहां मन नहीं होता वर्णन करने को मन चाहिए डिफिनेशन करने को मन चाहिए बुद्धि चाहिए ख्याल चाहिए तर्क चाहिए पर जहां ये न रहे तहा मैं अतर्क राम अतर्क बुद्धि मन बाणी मत हमार असुनो भवानी राम में कोई तर्क है कोई बुद्धि है कोई ख्याल है कोई कल्पना है राम तो वहां है जहां कोई विकल्प नहीं निर्विकल्प है राम अतर्क है राम अदृश्य है राम अचिंत्य है राम अनिर्वचनीय है राम अव्याख्य है राम तो क्या करोगे व्याख्या व्याख्या करने वाले चले गए मैं चला गया जो बच गया राम है चैतन्य है ब्रह्म है कबीर साहब कहते राम मरे तो हम अहुमरी हैं राम मरे तो हम मरेंगे जब राम नहीं हम काय को मरी है हम और राम कोई दो है क्या जो हम मर जाए राम बच जाए राम मर जाए हम बच जाए हम और राम दो नहीं है वह चैतन्य और मैं ब्रह्म और मैं ये मैं ख्याल था ख्याल तो मर गया पर वास्तविक मैं कभी नहीं मरा क्योंकि वास्तविक मैं राम है वास्तविक मैं ब्रह्म है जो मर गया वो ख्याल था वो माया था वो स्वप्न था वो लहर थी यही समाप्त करते हैं सहज भाव से वापस होइए अपने हाथों को धीरे धीरे बहुत तेजी से नहीं धीरे धीरे आ, हाथ चलाइए हाथों को मलिए धीरे से सिर पर आंखों पर हाथ फेरिए और लौटिए समय बार बार नहीं आता एक एक क्षण की इतनी कीमत करो कि ऐसा अवसर पता नहीं फिर मिला कि न मिला आपको लगता होगा आ गए हर साल सम्मेलन हो जाता है ये तुम्हारी ना समझी है ऐसा अवसर बहुत कम भाग्यशालियों के जीवन में आता है यदि आप इसको ठीक से समझेंगे तब तो तुम इस पृथ्वी के इस विश्व के वह व्यक्ति होगे जो आज तक न हुआ न है न होगा